आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किडनी मरीज एक ही तरह के खाने को खाकर बोर होने लगते हैं और कुछ मरीज तो खाने के नाम से नफरत तक करने लग जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी मरीजों को बहुत ही कम फूड्स को खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए वो एक जैसे खाने को खा खा कर बोर होने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें खाने में रुचि बनी रहे और वो खाना उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो। किडनी मरीजों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसी इंडियन रेसिपीज बताएंगे जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ किडनी रोग से लड़ने में भी उनकी मदद कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़े इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी रेसिपी की अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई रेसिपी अपने बेमिसाल स्वाद के लिए जानी जाती है तो कोई बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है। अगर हम किडनी मरीजों के लिए इंडियन रेसिपीज की बात करें तो किडनी मरीजों के लिए पोहा, दलिया और ओट्स जैसी रेसिपीज को खाना अच्छा बताया जाता है क्योंकि इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स किडनी रोग से लड़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो पोहा फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होता है जो आपके वेट को रिड्यूस करने के साथ साथ आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर आप पोहे का सेवन करना चाहते हैं तो इससे आपके ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है जिससे कि आप किडनी की समस्या से भी बचे रहते हैं। लेकिन पोहे का सेवन आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है क्योंकि सभी किडनी रोगी अपनी बॉडी की अलग अलग कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में पोहे का सेवन किसी किसी मरीज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं दलिया की। तो दलिया भी किडनी के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि दलिया खाने में बहुत ही हल्का होता है जिसको पचाना किडनी के मरीजों के लिए बेहद ही आसान माना जाता है। अगर किडनी रोगी दलिये को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, साथ ही उन्हें डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होती। आपको बता दें कि दलिया भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है जो आपके वेट को कंट्रोल रख के आपको किडनी में होने वाली समस्याओं से भी बचाए रखता है। अब आखिर में बात करते हैं ओट्स की। तो किडनी मरीजों के लिए ओट्स को खाना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओट्स को खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बना रहता है, साथ ही आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं से भी आराम मिलता है। किडनी मरीजों के लिए ओट्स को खाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ओट्स भी फाइबर जैसे गुणों से भरपूर होता है जिसको डाइजेस्ट करना किडनी के मरीजों के लिए बेहद ही आसान हो जाता है। तो किडनी रोग में खाई जाने वाली ये है तीन बेस्ट रेसिपीज जिन्हें किडनी मरीज डॉक्टर की सलाह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।